शक्ल तो अब वैसे ही हो जाएगी, देखने लायक भी नहीं रहेगी, मेरे को खुद डर लगेगा देख के। हकीम साहब की दवा से मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि इनकी दवाइयों में बहुत फ़ायदा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। चंडीगढ़ की रहने वाली हैं जश्न जी, 85+ हैं वो, और उनके घर हमने विजिट किया है अपनी पूरी टीम के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हकीम सुलेमान खान साहब ने एक मुहिम की शुरुआत की है, जिसमें हम आपकी सेहत का हाल जानने हर एक सिटी में जा रहे हैं और अपने सभी दर्शकों से मुलाकात कर रहे हैं। तो बिना देरी किए स्वागत करूंगी जश्न मैम जी का, और जानते हैं हकीम साहब से वो कैसे जुड़ी, हकीम साहब की कौन सी दवाई से हुआ है उनको फ़ायदा, कितनी वो सेहतमंद है। बिना देरी किए स्वागत करते हैं मैम का। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जश्न मैम, सबसे पहले तो आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, और ये भी जान के बहुत खुशी हुई कि आप हमारे परिवार का एक हिस्सा हैं, सेहत और ज़िंदगी प्रोग्राम से आप जुड़ी हुई हैं। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आपको क्या कुछ परेशानी थी और आपने हकीम साहब की कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल किया? सबसे पहले मैं हकीम साहब से, मेरे को सिरोसिस ऑफ स्किन हो गया था तो मैंने यहाँ एलोपैथी डॉक्टर्स को दिखाया, स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया, वो कहते एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है, तो आप दवाई लेते रहो तो ठीक रहोगे, देख लो। तो फिर मेरे को किसी ने बताया कि तू होम्योपैथिक ले, तो मैंने होम्योपैथिक भी नहीं ली। मैंने घर आई तो अपने आप वो टीवी पे लगा हुआ था, इन्हीं का हकीम साहब का ही प्रोग्राम आ रहा था जी जी। तो वहाँ मैंने देखा कि इसी सिरोसिस ऑफ स्किन के ऊपर ही किसी ने पूछा था उनसे, और उन्होंने इलाज बताया। तो उसके बाद मैंने अगले दिन टेलीफोन करा, तो वहाँ से मुझे पता चला कि मेरे को ये गोंद मोरिंगा और पी केयर, पी फॉर पटना, पी केयर, ये दोनों चीज़ें खानी चाहिए, उसके साथ मेरा ये सिरोसिस ऑफ स्किन ठीक हो जाएगा। इसका इलाज है यूनानी में जी। तो फिर मैंने वही इलाज शुरू किया, तो उसके साथ मुझे बिल्कुल आराम आ गया, और मैं हकीम साहब से बहुत उनकी शुक्रगुजार हूँ कि मेरे को उनकी दवा से आराम आ गया जी। जैसे कि हम देख भी रहे हैं मैम, आप बहुत बहुत प्रिटी, बहुत ब्यूटीफुल हैं, 86 की हैं आप, और सोराइसिस जैसी प्रॉब्लम जब किसी को हो जाती है तो हमें पता होता है कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो कम हो रहा है। जब हमने अपनी इतनी ग्लोइंग स्किन देखी हो और उसके बाद हमारे शरीर पे किसी भी तरीके के पैच हो जाएं तो बहुत परेशानी होती है। तो अब आपको ये लगता है कि मैं किसी भी उम्र में फिट हो सकती हूँ और मेरी त्वचा जो है, मेरी जो स्किन है वो अच्छी रह सकती है? मैं खुद हैरान हूँ। एक दफ़ा तो मेरा बिल्कुल मोरल नीचे ही हो गया था, मैंने कहा शक्ल तो अब वैसे ही हो जाएगी, देखने लायक भी नहीं रहेगी, मेरे को खुद डर लगेगा देख के जी। मगर मैंने दवा से, हकीम साहब की दवा से थोड़ा प्रेजेंटेबल तो रह गई। तो अब जब खुद को आप देखती हैं शीशे में तो हाँ, अच्छा लगता अच्छा है, वो कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हुआ मैम? हाँ जी, बहुत ज़्यादा जी। तो घर में जो आपके बच्चे हैं, ठीक है, जो आपकी बेटी हैं या फिर और रिलेटिव हैं, उन्होंने वो पैचेस आपके देखे होंगे है ना, तो उनका क्या रिएक्शन था जब आप ठीक हुई, और पहले का भी रिएक्शन हमें बताइए जब आपके पैचेस हो गए थे मैम? बहुत ज़्यादा पैचेस हो गए थे, तो वो भी हैरान थे, कहते सारे टेस्ट कराओ पहले। वो तो घबरा ही गए थे कि क्या हो गया, तो फिर मैंने सारे टेस्ट करवाए तो यही निकला फिर कोई खास नहीं। मैं बेटा बस वो ही करा था जो एलोपैथी में दे देते थे कि ये लगा लो, क्योंकि इलाज तो इसका है नहीं। अच्छा, सांप मना ही कर दिया था डॉक्टर उन्होंने? हाँ, कहते लगा लो, शॉक में लगाना वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है इसके साथ स्किन, तो उन्होंने वो सनस्क्रीन कोई ऐसे दिए कि जिसके साथ ज़्यादा ड्राई ना हो, पर उसके बाद कोई मुंह पे तेल तूल कुछ नहीं लगा सकती, बस ऐसे ही रखना जैसे है जी।
मैम आप 86 की हैं और आप स्किन को लेके देखिए कितनी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हाँ जी हैं, हाँ और जो यंग गर्ल्स होती हैं या फिर आप जब कम एज की थी, तो मैं आपसे वो आपका अनुभव भी जानना चाहूँगी। आप अपने चेहरे को लेके, अपनी स्किन को लेके कितने कॉम्प्लीमेंट सुनती थी मैम, ये भी बताइए हमें। मिलते थे जी, क्या कहा जाता था कि इतनी ग्लोइंग स्किन हाँ, कैसे है? हाँ, अच्छा, ये जेनेटिक मैम? इंडियन कुदरती थी बेटा। अच्छा, तो कभी किसी मेरे फादर की बहुत अच्छे गुड लुकिंग थे। अच्छा, ठीक है, बहुत हैंडसम थे। ठीक है, आपको जो लोग देख रहे हैं, जो महिलाएं भी आपको देख रही हैं, पुरुष भी, और जो यंग गर्ल्स हैं वो भी आपको देख रही हैं, जिनके मन में ये होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी तो हमारी जो स्किन है वो ख़राब हो जाएगी या ढल जाएगी या हम ठीक नहीं हो पाएंगे, तो हम ऐसे ही एडजस्ट कर लेते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि यूनानी ट्रीटमेंट और घरेलू नुस्खे वाकई में फ़ायदेमंद है? बहुत फ़ायदेमंद है। मैंने शैम्पू भी यूनानी का ही मंगाया। अच्छा, और तेल भी इन्हीं का ही, तो बहुत आराम है मुझे। बहुत आराम है जी। हकीम साहब से जुड़ के, उनके प्रोग्राम से जुड़ के, हमारे परिवार का हिस्सा बन के आपको कैसा लग रहा है मैम? शैलजा जी, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि इनकी दवाइयों में बहुत फ़ायदा है और जल्दी है। ठीक है, आपको जल्दी रिलीफ? हाँ जी, जल्दी रिलीफ आता है। कितने दिनों में आपको लगा मैम? मेरे को सातवें दिन, सातवें दिन पता चल गया मेरे, हाँ पता चल गया जी। इनफैक्ट पाँचवें दिन ही पता लग गया था कि ख़त्म हो रही है वो, धीरे धीरे करके आराम मिल रहा है, आराम हो रही है। हकीम साहब के लिए कुछ कहना चाहेंगी? मैं उनका बस शुक्रिया ही कर सकती हूँ और दुआ कर सकती हूँ कि इसी तरह पेशेंट्स को, अपनों को दवाई देते रहें और सब इनके गुण गाते रहें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपना वक्त हमें दिया, और जश्न जी आपसे मिलके हमें और हमारी टीम को बहुत अच्छा लगा। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं उनके बारे कुछ बोलूँ। पहले मुझे बहुत उर्दू के सारे डायलॉग भी याद आए, मुँह से निकलते रहे अकेले में। अच्छा, उनके लिए पर मैंने कहाँ मिलना होगा। कुछ अगर आप शेयर करना चाहते हो, कुछ अभी याद हो आपको, आप कह सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले सर इंटरव्यू देखते हैं, जैसे ही हम अपलोड करते हैं अपने व्यूअर्स के हर हफ्ते इंटरव्यू, तो सर वो देखते हैं, आप लोगों से वो मुलाकात जो है इंटरव्यू के ज़रिए ही कर लेते हैं। तो उर्दू में आपने जैसा कि कहा कि मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ था, कुछ याद हो आप बोल सकती हैं? बस यही मेरे को शुक्राने के ही सारे डायलॉग थे। अच्छा, अभी याद भूल नहीं है? भूल गए। चलिए कोई बात नहीं, मैं अकेले बैठ के बहुत करती थी, उनको दुआई देती थी। और मेरे को अर्थराइटिस था बेटा। हाँ जी, अर्थराइटिस भी मेरा वो ठीक गौंसिया से। हाँ, अच्छा, आपने गौंसिया का इस्तेमाल भी? बहुत बुरा हाल था मेरा अर्थराइटिस से, मैं बता नहीं सकती। और यूनानी एक ऐसी दवा है जिसके आफ्टर इफेक्ट नहीं होते। हाँ, कोई साइड इफेक्ट? कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। तो इसलिए आप ज़्यादा विश्वास करती हैं यूनानी ट्रीटमेंट और घरेलू नुस्खों पे? अब मैंने बहुत करना शुरू कर दिया। अच्छा, क्योंकि रिजल्ट आपको मिले हैं मैम, और पॉजिटिव रिजल्ट। अच्छा, एक बार फिर से आप हमें दवाइयाँ बता दीजिए। आपने सोराइसिस के लिए कौन सी दवाई ली? सोराइसिस के लिए मैंने गोंद मोरिंगा और पी केयर। और अर्थराइटिस के? अर्थराइटिस के लिए मैंने गौंसिया। गौंसिया लिया? और गौंसिया आपने सिरका, जैतून का सिरका, वो भी ले लिया? हाँ जी। ठीक है, जो गौंसिया है उससे आपको रिलीफ कितने दिन में मिला? बहुत जल्दी मिली। अच्छा, ज़्यादा कड़वा तो नहीं? सातवें दिन, आठवें दिन मेरे को महसूस हुआ कि दर्द भाग गए। कड़वेपन की आप थोड़े थोड़े बस शिकायत तो नहीं रही कि कड़वा बहुत ज़्यादा है? ठीक हाँ, है तो ठीक ठीक है, दवा तो दवा है। चलिए, जब दवा कड़वी होती है तभी वह असर दिखाती है वैसे तो। बहुत बहुत शुक्रिया मैम एक बार फिर से आपका, कि आपने अपना वक्त हमें दिया, अपने घर हमें आपने आमंत्रित किया। थैंक यू। तो दर्शकों, आप सभी ने सुना अभी जश्न मैम को, जो चंडीगढ़ में ही रहती हैं, 86 उनकी एज है, और बहुत अच्छा लगा हमारी पूरी टीम को उनसे मुलाकात करके। उनको सोराइसिस की प्रॉब्लम थी, अर्थराइटिस था, और शुगर का भी उनको मसला है, लेकिन शुगर अभी उनकी कंट्रोल है, जैतून का सिरका इस्तेमाल कर रही हैं, अर्थराइटिस के लिए वो गौंसिया का इस्तेमाल कर रही हैं, और जैसा कि सोराइसिस के लिए भी उन्होंने बताया कि वो एक तरफ जैतून का सिरका भी है और पी केयर का भी वो इस्तेमाल करती हैं।
गॉन मोरिंगा का भी वो इस्तेमाल कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से वो फॉलो कर रही हैं तभी उनको रिलीफ है। तो आप सभी से कहना चाहूँगी कि आप भी ठीक हो सकते हैं, सेहतमंद हो सकते हैं, आपको परेशान नहीं होना है। देखिए, जब आप हर जगह से थक जाते हैं, हार जाते हैं, तब भी एक उम्मीद है। वो उम्मीद क्या है? यूनानी ट्रीटमेंट, घरेलू नुस्खे जिसे आप अपनाते हैं, तो यकीन मानिए आप ठीक हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।